हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए शाम का टाइम है। आज का जो वीडियो है ना, मैंने शाम के टाइम से स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने पौधों की थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। पर अभी मैं पानी डाल दे रही हूँ ताकि जो घास फूस मतलब कचरा वगैरह उग जाता है ना, तो वो निकालने में आसानी होगी। तो लगभग 2 दिन हो गए हैं, मैं 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकालती हूँ इस टाइम पे पानी डालने के बाद। 6 बजे से जो काम स्टार्ट करती हूँ ना छत का, तो 7-7.5 बजे तक बस इतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि फिर अंधेरा लग जाता है ना, तो फिर कुछ मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो इतना काम मैं कर लेती हूँ, थोड़ी सी सफाई। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी शाम के 6 बज गए हैं, छत पे गई थी मैं पानी डालने के लिए, पेड़ पौधों में नल आ गए हैं। तो आज ना पेड़ पौधों में कार्तिक पानी डाल रहा है। मैं चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए और मैंने चाय पी ली थी शाम के 4 बजे, लेकिन हस्बैंड आए और उनको चाय पीना है, तो मैंने देखिए चाय जो है ना बना कर रख दी है, कड़क वाली चाय, एकदम कड़क चाय। और मैंने उनको एक काम से भेज दिया है, झाड़ू नहीं थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा झाड़ू देखिए ऐसी हो गई है, झाड़ू लेने गए हैं। तो मैंने क्योंकि रात हो जाती ना फिर, और रात को झाड़ू लाते नहीं हैं, कल भी मैंने कहा था इनसे तो नहीं गए थे, फिर मतलब रात हो गई थी तो मना कर दिए थे, तो अभी गए हैं। हाँ बस लेके आते होंगे क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी है और ऊपर का थोड़ी बहुत काम जो मैंने किया है ठीक ठाक से छत को, क्योंकि अभी अब बारिश लगना कब से स्टार्ट हो जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि मौसम आज ही से इतना ख़राब सा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा बादल बादल। तो मैं ना लकड़ियाँ वगैरह जितनी पड़ी थी छत में वो सारी मैंने गट्ठर बना के रख दी हैं। चल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कार्तिक क्या कर रहा है, ज़रा देखते हैं, क्योंकि पानी फेंकता है और पानी डालता कम है, पौधों में फेंकेगा ज़्यादा। कहाँ डाल दिया पानी, देख कितना सारा फेंक रहा है, देख ऐसे ऐसे डाल रहा है, बाप रे दीदी, मैंने इतना सा पानी भी, नल अब भी बंद हो जाएंगे, ऐसे नहीं था बाबू, नल बंद हो जाएंगे समय दे, तुम हमें दे, हम खुद कर ले रहे, मतलब पकड़ा दिया जले पकड़, रोक दो। अच्छी वाली है जी। नहीं तो ये वाली तुम्हारा का हाल हो गया है? खोल के देख ले इसको, फिर बार बार हट गई, कल से झाड़ू के लिए परेशान, कल रात हो गई थी। कैंची लेके, कैंची कहाँ डाली, कैंची ऊपर होगी छत में होगी, इधर नहीं है, रहन दो ना, हम कर लेंगे ना, तुम चाय पी लो, हाँ देख लेंगे अभी हम, देखा ना रख दो पानी देखने में, और यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से छत पे आई हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से लकड़ियाँ वगैरह जो है ना बोरियों में भर के रख दी है, जितनी भी पत्ती वगैरह जितना भी निकला था वो अलग बोरी में रख दी है, ताकि मैं दूसरे गमले वगैरह बनाऊंगी ना तो उसमें मैं भर दूंगी सारी। और ये लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी थी और कार्तिक ने देखिए थोड़ा सा गीली कर दी, वही मैं उसको डांट रही थी कि वो इस तरीके से पौधों में पानी दे रहा था कि लकड़ियाँ भी गीली कर दी उसने, सूखी सुखाई, अब मुझे 1 दिन की धूप और इनको लगानी पड़ेगी। तो मैं ना यहाँ की सफाई इसलिए भी कर रही हूँ कि देखिए बारिश का टाइम अभी आने वाला है, तो सोच रही हूँ कि यहाँ की सफाई कर देती हूँ ताकि अच्छा सा दिखे, और यहाँ के कुछ कुछ गमले जो है ना मुझे दूसरी जगह सेट करने हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जगह बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए साफ़ सुथरा सा कर दिया है, तो थोड़ी सा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पूरे छत को अच्छे से साफ़ करूँगी।
और उसके बाद है ना मैं 7:30 बजे तक मैंने काम किया, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि टाइम भी हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 9:30 बजे तक ना, तो फिर 9 बजे खाना जो है बोलने लगते हैं। वैसे कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी लेट खाते हैं। बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मेरे घर के खाने का जो टाइम टेबल है ना बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। बिल्कुल मतलब अगर फिक्स रहता ना तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि हाँ इस टाइम पे हमें खाना खाना है, फिर काम करना है सारा, फिर उसके बाद मतलब एक वो रहता है कि चलो इसके साथ साथ सारे काम है ना जल्दी निपट जाते हैं। इसीलिए ना मैं थोड़ा सा काम को लेकर लेट हो जाती हूँ। तो बस अभी है ना यहाँ पर देखिए एक सब्जी बन गई है, और आज कल मैंने ये बरबटी तोड़ के रखी हुई थी तो नहीं बन पाई थी, कुछ और बन गया था, तो बरबटी बनाई है मैंने आज। और अभी मैं भरमा वाले बैगन बना रही हूँ, तो मुश्किल से मतलब 5 बैगन थे, उसमें भी एक ठो ख़राब हो गया है, कीड़ा लग गया उसमें। तो बस जो 4 बैगन है ना वही मैं फ्राई कर लूँगी, और आलू रखे हैं उबले हुए तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी भरमा बैगन में, तो वो हो जाएंगे। और दाल है और चावल भी है, और फिर रोटी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने है ना ये सब्ज़ी बनाने से पहले जो बरबटी की सब्ज़ी बना रही थी उसको बनाने से पहले मैंने ये बैगन और आलू फ्राई कर लिए थे थोड़ा सा तेल में, तो सिक गए थे ये बहुत अच्छे से। अब सिर्फ मुझे सिंपल सा मसाला बनाना है, तो मसाला मैं जैसे कि आज ना थोड़ा सा मतलब प्याज कट करके और जो क्या कहते हैं मतलब वैसे करके बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ रेसिपी। यहाँ मैंने देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटी हुई एक ठो प्याज डाली है। प्याज के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सूखा मसाला डालूँगी, और मैं यहाँ पर है ना चेक कर रही थी कि बैगन जो है ना वो अच्छे से पके हैं या नहीं, तो ये 90% बहुत अच्छे से सिक गए थे क्योंकि मैंने डीप फ्राई तेल में तल दिए थे, तो अच्छे से सिक गए हैं ये। तो यहाँ पर प्याज भून रही है, और प्याज भुन गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैं सूखे वाले जो मसाले हैं ना वो ऐड कर दूँगी थोड़े थोड़े से, और उसके बाद मैं जो अचारी मसाला मैंने बना कर रखा था जो अचार में डालते हैं सेम पूरा वही मसाला है, कोई अलग से मैं मसाला इसमें मतलब नहीं डाल रही हूँ। ये जो डेली हमारा मतलब मसाला डब्बा से 2-3 मसाले होते हैं ना 3-4 मसाले, वो मैं इसमें थोड़े थोड़े से बिल्कुल ऐसे ही ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कलर के लिए। और ये मैं इसमें डालूँगी 1.5 चम्मच भर के अचारी मसाला, तो क्योंकि थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि बैगन वैसे भी कम थे, तो बैगन 4 ही थे उसी में भरना था, तो मैं ऐसे ही इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि सारे मसाले सब कुछ एक साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे, अच्छे से मतलब ना थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में बन जाएगी, मतलब कि मसाला ना बहुत अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर देखिए अभी। और उसके बाद मैं इसमें जो तले हुए बैगन है आलू है वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ इस तरीके से, तो बस ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद बस फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी। आज ना मैं छत के काम में क्या लग गई थी पता है, चाय पीना ही भूल गई। शाम को मैंने चाय बनाई थी पर हस्बैंड ने पी ली थी चाय, और मैंने उनके लिए बस बनाई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर मैं आई नीचे 7:30 बजे, फिर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी खाना बनाते बनाते ना, तो फिर इच्छा नहीं हुई मेरी कि अब मैं चाय बनाऊँ। अब मैंने सोचा कि चाय अब मैं नाइट में पीऊँगी रात को, जब मैं सारा काम वाम कर लूँगी नहा धोकर और फिर पढ़ाई करूँगी ना तब मैं चाय पीऊँगी, अभी नहीं पीऊँगी अब क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी कि इच्छा ही नहीं हो रही थी। अब सीधे सोची हूँ कि खाना वाना बना के खा पी के काम वाम करके और बस बढ़िया से सारा काम करके और फिर नहा लूँ, क्योंकि गर्मी ना दिन ब दिन ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ती जा रही है। बहुत मुश्किल होता है मतलब किचन में काम, मतलब ये रोटी बनाना और किचन में खड़ा होना, कभी कभी ना बड़ी याद आती है कभी घर पे रोटी बनाई नहीं थी और यहाँ के इतना रोटी बनानी पड़ती। हाँ सच बता रही हूँ, मैंने ना ज़्यादा रोटी नहीं बनाई अपने घर में, मैं यहीं पर इतनी रोटी वगैरह सब बना लेती हूँ, मतलब ज़्यादा खाना पीना मैंने बनाया नहीं, बस सब कुछ मम्मी बहनें करके देती रही। तो बड़ा वो होता है कि सच में इतनी गर्मी में कैसे होता है काम, मुझे आज पता चल रहा है।
और हमारी किचन है ना मम्मी की, वो तो और भी ज़्यादा बहुत भयानक वाली, इतनी मतलब क्या बताऊँ अब, हद से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो थाली है ना वो रेडी हो गई है। भरभट्टी की सब्ज़ी, आलू बैंगन भरमा वाले, और दाल थी, रोटी थी और चावल। ये रहा आज का हमारा सिंपल सा रात का खाना। तो आई होप कि फ्रेंड्स आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।